ये आस नहीं थी बहन मुझे, ये उम्मीद नहीं थी के मेरी पीठ में मारी भाई बंधुओं, कहने लगी बहन तेरे पैर दबाऊंगी, तेरी सेवा करूंगी, तेरी बांदी बनके दासी बनके काम करूंगी, तेरी कोख से कोई ना कोई संतान पैदा होवेगी, मैं तेरे लाला को खिलाऊंगी। सुरची कहने लगी बाजी बा तू मेरे लाला को खिलाएगी? बूढ़ी बिल्ली भक्तन बन के चिड़िया घर में रहना चाहती है, पीठ फेर यहां से, तेरी सूरत से मुझे नफरत है, तू रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी, मैं रहूंगी तो तू नहीं रहेगी। महाराज खड़े खड़े मुंह की तरफ क्या देख रहे, फैसला करो, इसे रखना है तो रखो, मेरा डोला वापस जाएगा। उत्तानपाद कहने लगे क्या करूं, कहो सुनीति मैंने तुम्हें सारी रात समझाया था कि सौत का नाम मत लो, जीवन बर्बाद हो जाएगा, नरक बन जाएगी जिंदगी, मगर तुमने वही किया और जो मैं समझा रहा था वही स्वयं देख लो अपनी आंखों से वही हुआ। सुनीति बोली महाराज आप क्यों रो रहे, रोने के लिए तो मैं ही काफी हूं, अगर मेरी कोख से, अगर मेरी किस्मत में ये मेरे कर्मों में ना लिखा होता, इसके पैर की ठोकर मेरे कर्मों में ना लिखी होती तो क्या मेरी कोख से कोई संतान पैदा नहीं होती? ये तो मेरे नसीब में है, मेरी किस्मत में है, मेरे कर्मों में है। महाराज जो ये कहे मैं हर शर्त स्वीकार करूंगी। सुरजी कहने लगी सुन तुझे महलों के अंदर नहीं रहना है। कहां जाऊंगी? महलों के बाहर जो खंजर पुराने महल पड़े हैं उनमें रहेगी। ठीक है बहन। काग उड़ाएगी महलों के ऊपर खड़ी होकर के। ठीक है बहन। तुझे जो सुंदर 56 प्रकार के व्यंजन ग्रहण करती है भोजन नहीं मिलेगा, जौ की रोटी मिलेगी वो भी सब्जी नहीं नमक से। ठीक है बहन मंजूर। जो सुंदर वस्त्र आभूषण पहन रखे हैं तूने, हाँ। ये वस्त्र आभूषण उतार के रख दे, ये पहनने को नहीं मिलेंगे। ठीक है बहन मंजूर। नील का लहंगा गजी की साड़ी मिलेगी। ठीक है मंजूर है। और अगर तूने महलों के अंदर कदम रखा
तो इसका इल्जाम जानती है क्या? तुझे मृत्यु दंड दिया जाएगा। महाराज आप ही मुझे वचन दो कि मेरे सिवाय इसकी तरफ कभी आंख उठा के नहीं देखोगे। बोलो जल्दी बोलो। उत्थान पाद के लगे ठीक है। रानी बोली महाराज ये सारे नियम सारी शर्तें मुझे स्वीकार हैं। हाथ में बांस ले लिया बहनाओ और रानी सुनीति काग उड़ाने लगी। इधर सुरची महलों में आनंद पूर्वक रहने लगी।